ऐसे कमाने की होड़ में सरकारी डॉक्टर बिना रोक टोक के निजी अस्पताल संचालित कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उस वक्त उजागर हुआ जब नसबंदी कराने आई महिला के इलाज में लापरवाही की वजह से उसकी मौत हो गई। जांच के बाद अमले ने जिला अस्पताल में सरकारी चिकित्सक के पद पर पदस्थ डॉक्टर भूतेश्वर वर्मा के हेल्थ केयर निजी अस्पताल में लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया। जांच होने के बाद पता चला कि शहर में कई ऐसे अस्पताल हैं जो पैसा कमाने की होड़ में बिना डिग्री और बिना परमिशन के चल रहे हैं, जहां ना तो साफ सफाई ठीक से होती है और न ही योग्य स्टाफ है, फिर भी मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक सतगुरु क्लिनिक को भी सील किया गया है, जबकि चित्रा अस्पताल में भी कमियां दूर करने की हिदायत दी गई है। साथ बीएमओ साहब हैं, सीएमएचओ हैं, हमने पूरा इंस्पेक्शन कराया है, जहाँ जहाँ कमी पाई गई इनको हमने वार्निंग दिया है, खासकर पानी की व्यवस्था, इनके शौचालय टॉयलेट में भी पर्याप्त हाइजीन नहीं है, ऐसा लग रहा है। जनरल जो वार्ड है उनमें हमने समझाइश दिया डॉक्टर साहब को, जो नहीं ठीक है उस पर भी संज्ञान लेते हुए, चूंकि अब ये है तो उसको समय समय पर मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी स्थिति क्यों है और उसको देखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर भी मित्रा से जुड़ गए हैं। दिलीप क्या हो रहा है, सरकारी डॉक्टर खुद के निजी अस्पताल संचालित कर रहे हैं? बेमेतरा जिले में हमेशा से ही ये शिकायत रही है कि एक तो जो जिला अस्पताल में पदस्थ रहते हैं डॉक्टर, वो अपने स्वयं के निजी क्लिनिक चलाते हैं और ये पूरे बेमेतरा जिले में ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ है, जहाँ पे जिला अस्पताल में पदस्थ भुवनेश्वर वर्मा के द्वारा एक अपना निजी क्लिनिक संचालित किया जा रहा था बेमेतरा हेल्थ केयर के नाम से, जहाँ पे बकायदा जो है बिना किसी प्रकार की सूचना के वे वहाँ पे केवल जो जनरल प्रैक्टिस के नाम से लाइसेंस लिया गया था और वहाँ पे जो है नसबंदी का ऑपरेशन किया जा रहा था। बीते दिनों जो एक महिला की है वहाँ पे नसबंदी की गई थी, जिससे उसकी जो आंत में है वो छेद रह गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। और मामले पर जो मृतक के पति हैं उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे गुहार लगाई, जिस पर जो एसडीएम ने वहाँ छापामार कार्रवाई की तो पता चला कि जो क्लिनिक है वो अवैध तरीके से संचालित हो रहा था। वहाँ से जो लेबर रूम है और जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सील कर दिया गया है, साथ ही साथ बगल में जो सदगुरु क्लिनिक है वहाँ को भी सील कर दिया गया। वहाँ की जो डॉक्टर है वो बिना किसी प्रमाण पत्र के और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही दवाखाना संचालित कर रहा था। और ऐसा ही एक जो है चेतना हॉस्पिटल है वहाँ पे छापामारी की है, जहाँ पे कुछ कमियां पाई गई है जिसको जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और एसडीएम ने संचालक को हिदायत दी गई। दिलीप, सरकारी डॉक्टरों के द्वारा अवैध तरीके से खुद का क्लिनिक संचालित करना और इस बारे में सूचना दी गई है बड़े अधिकारियों को, जिला चिकित्सा अधिकारी है, वहाँ के क्या कुछ कहना है, क्या कार्रवाई उनकी तरफ से देखने को मिलती है? देखिए एक बात तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि पैसे कमाने की ओर में जो है सरकारी डॉक्टर किस तरह से लापरवाही करते हैं। एक तो बिना किसी जो पूर्ण दस्तावेज के जो है वो अपना खुद का क्लिनिक संचालित करते हैं, साथ ही साथ में जो है और भी दूसरे जो जगह के जो शासकीय का चिकित्सक है उसको अपने अंदर क्लिनिक में वो पार्टनरशिप या किसी और तरीके से साझा करके उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं अब अधिकारी ये बोल रहे हैं कि उस पर नोटिस जारी कर दिया गया है, जो वही अधिकारियों की रची रूटी जवाब होती है। तो कब से सब चल रहा है वहाँ पर बेमित्रा में? देखिए ये तो काफी लंबे समय से संचालित हो रहा था, मगर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होने के वजह से बिना रोक टोक के ये व्यवसाय चल रहा था। मगर जिस तरीके से बीते दिवस जो एक महिला की मौत हो गई कि नसबंदी के दौरान उसके जो आंत की में छेद होने से मौत हो गई, उसके बाद से ये मामला तुल पकड़ा है और अंततः उसको जो मीडिया है और जो अन्य लोगों की जो दबाव बने जिसके कारण उस क्लिनिक के जो लेबर रूम है और जो शुक्रिया दिलीप जानकारी साझा करने के लिए। और खबर झाबुआ की मेघनगर से है जो 5 साल